वेलकम बैक ट्रेडर्स आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है ट्रेडर्स देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें किस तरीके का एक्शन देखने को मिला था और कहां कहां पर हम ट्रेड कर सकते थे वैसे आप देखोगे जो आज का मार्केट है वो ऑलमोस्ट कल के ही रेंज में क्लोज हो गया यानी कहीं ना कहीं आज हमको एक इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल देखने को मिलेगा ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस दिन को नोटिस करोगे यहाँ पर एक बड़ी हमको ग्रीन कैंडल मिली थी और एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक हमें रेड कैंडल मिलती है और आज भी हमें कुछ इस तरह की कैंडल ऐसी कैंडल कुछ देखने को मिल सकती है हमें तो इस समय डेली चार्ट के हिसाब से हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट में एक मोमेंटम आया ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल्स होती है ना मतलब मान लीजिए मैं आपको एक प्राइस एक्शन बताता हूँ कि अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है और गिरते गिरते एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम कहते हैं ट्रेंड इनिशिएशन मैं आपको डेली चार्ट में ले चलता हूँ वहाँ मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाऊंगा अगर यहाँ पर आप डेली चार्ट में चलते हो तो जो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं जैसे ये कैंडल हो गई या फिर ये कैंडल हो गई तो जो ट्रेंड में पहली बड़ी कैंडल बनती है ऑलमोस्ट जिसको आप मान लो तो यहाँ से जिस तरीके से मार्केट गिरा नीचे की तरफ यहाँ से जो मार्केट टर्न अराउंड हो वहाँ पर आपको पहली बड़ी रेड कैंडल ये देखने को मिल रही थी दूसरी बड़ी रेड कैंडल आपको ये देखने को मिली है सिमिलरली आप देखोगे यहाँ से जब मार्केट घूमा ये जो आपको पहली बड़ी ग्रीन कैंडल है वो आपको कुछ नीचे देखने को मिली थी लेकिन आप देखोगे कि, कि पहली बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद अचानक से मोमेंटम स्टार्ट जनरली नहीं होता है यहाँ पर तो बेसिकली ये जो पहली कैंडल्स बनती हैं उनको हम कहते हैं ट्रेंड इनिशिएशन कैंडल्स मतलब ये अपनी तरफ से बायर्स या फिर सेलर्स कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड को घुमा के अपने डायरेक्शन में ट्रेंड को मोड़ दिया जाए जैसे यहाँ पर सेलर्स ने अटेम्प्ट किया लेकिन आप उसके बाद देख रहे हो यहाँ पर मार्केट एक पॉज लेता है और इस पॉज के बाद फिर जब बड़ी रेड कैंडल बनी तो हमें थोड़ा कंफर्मेशन मिला कि हो सकता है ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है यानी जो यहाँ पर सेलर्स ने एंट्री की है वो अब यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं तो इसको ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बनती है ना इसको हम कहते हैं ट्रेंड स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर जो ट्रेंड है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है तो इन दो प्रोसेस में टोटल एक ट्रेंड को जो रिवर्स कराया जाता है तो इस तरीके से होता है तो यहाँ पर आप देखोगे जो पहली ग्रीन कैंडल बनी थी तो यहाँ पर ट्रेंड इनिशिएट करने की कोशिश की गई फिर उसके बाद मार्केट में यहाँ पर एक पॉज लेता है मार्केट और फिर एक हमें ये ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट प्लस की ग्रीन कैंडल है और यहाँ पर प्लस हजार पॉइंट के आसपास की हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है लेकिन उसके बाद भी मार्केट यहाँ पर पॉज लेता हुआ नजर आ रहा है तो यानी देखिये ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है फिर पॉज फिर ट्रेंड आ रहा है फिर पॉज ले रहा है यानी कहीं ना कहीं अभी जो बायर्स और सेलर्स हैं उनमें इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं लग रहा है यहाँ पर तो आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पर हो सकता है कि एक बड़ी रेंज बना ले यानी ट्वेंटी के लिए मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहने की तैयारी कर सकता है और यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट फाइव प्लस पॉइंट्स की एक रेंज बनती हुई दिख सकती है हो सकता है एक दो बार ऊपर भी ब्रेकआउट आए और हो सकता है एक बार नीचे भी ब्रेकडाउन आए बट क्योंकि मार्केट इसी रेंज में इसीलिए हमें ऐसे वोलेटाइल दिन देखने को मिल रहे हैं खैर यहाँ पर कल के लिए जो प्रेडिक्शन वाली वीडियो है वो थोड़ी देर में यानी ऑलमोस्ट छः सात बजे के करीब जब एस निफ्टी से ये थोड़ा क्लियर हो जाए कि मार्केट कहाँ ओपन होगा मैं पोस्ट कर दूंगा यहाँ पर हम आज के प्राइस एक्शन के बारे में एनालाइज़ करने वाले हैं तो आप फाइव मिनट के चार्ट में चलते हैं और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि आज के दिन क्या देखने को मिलता है मार्केट कल के रेंज में ओपन होता है और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखें वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया था कि ये रेंज यहाँ पर हाईली वोलेटाइल हो सकता है ऐसा क्यों क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे रेंज के अंदर ओपन हो रहा है और यहाँ पर देखो पहले सेलर्स का क्ट था फिर उसके बाद बायर्स का प्रेशर हमें देखने को मिला तो इस जोन में बाइंग और सेलिंग दोनों की गई है तो उसके बाद मार्केट किधर डायरेक्शन पकड़ेगा कुछ क्लियर कह पाना मुश्किल था इस पूरे जोन में होता क्या है है पहली कैंडल कैंडल पर नेगेटिव बनती बनती फिर एक ग्रीन बनती है अगली कैंडल रेड बनती है और उसके बाद यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन आता है तो अगर आप प्राइस एक्शन को समझोगे तो यहाँ पर तीनों कैंडल के जो हाईस थे वो यानी लोअर हाई का यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉर्मेशन हो रहा था बट ऐसे साइडवेज जोन में यहाँ पर जो लोअर हाईज और लोअर लोज वाला कॉन्सेप्ट होता है खासकर मॉर्निंग में वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है तो यहाँ पर जब ब्रेकडाउन आया था यानी इस का जब लो ब्रेक हुआ तो यहां पर इमीडिएट एग्जिट किया हाई तो निकलता है तो यहां पर मैंने कॉल साइड में पोजिशन बना ली और ये इस समय आप एक तरीके से कह सकते हो ये स्मार्ट मूव यही था क्यों ऐसा आप कह सकते हो पहला इसमें दो ऑप्शन थे इस रेंज में पहला ऑप्शन नो ट्रेड तो अगर आपको कोई ट्रेड नहीं करना था तो ये भी आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया बट अगर आपको कोई ट्रेड करना था तो आप इस जोन में डायरेक्शन नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है आपका प्रेफरेबल डायरेक्शन क्या है तो अगर मार्केट पुट में जाता हुआ दिखा यहाँ पर तो हमने पुट साइड में ट्रेड इनिशिएट किया बट जब मार्केट टर्न अराउंड हुआ तो कॉल साइड में क्वांटिटी मतलब सेम क्वांटिटी के साथ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए यहाँ पर रिवर्स पोजिशन किया जिसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल गया उसके बाद क्या होता है उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पर एक तरीके से एक एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है किस जगह पे एक रेजिस्टेंस वाले एरिया के आसपास आके ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है बट जैसा कि आप सभी को पता ही होगा मेरे ट्रेडिंग से मैं कभी डायरेक्ट किसी पैटर्न्स पर ट्रेड नहीं करता मैं कभी भी ट्रेड करने के लिए पहले उस पैटर्न के ट्रैपिंग साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता हूं कि यहां पर किसको ट्रैप किया जा सकता है और मैं ट्रेंड के साथ जाना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेंड क्लियर नहीं था बट जब मार्केट यहाँ से एक बियरिश एंडगल्फिंग कैंडल स्टिक बना के निकलता है तो यहाँ पर फॉल आता है उसके बाद आप देखो मार्केट में कॉन्स्टेंटली लोअर लोज़ का ही फॉर्मेशन हो रहा था और फाइनली इस लेवल पर जाके ये लोअर लो यहाँ पर ब्रेक हुआ था बट ये प्राइस एक्शन आपको फाइव मिनट में बहुत ही ज़्यादा सिंपल और अच्छा दिख रहा होगा बट वन मिनट में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर वोलाटाइल था दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स के बाद एक उतनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती थी और मार्केट फिर नीचे गिर जाता था यानी कम्प्लीटली आज पेशेंस टेस्ट करने वाला मार्केट था अब यहाँ पर मार्केट ने एक जोन बनाया इस जगह पर मार्केट ने एक जोन का फॉर्मेशन किया एक जोन बनने के बाद नीचे इसको ब्रेक डाउन करता है ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पर ऊपर जाता है रीटेस्ट करता है लेकिन फिर भी यहाँ शॉर्ट इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि यहाँ पर मार्केट कहीं कही ना कहीं एक सपोर्ट जोन में था तो मैंने जो अपना पहला ट्रेड लिया वो मैंने यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो गई थी उसके बाद मैं वेट कर रहा था और जो मैंने अपना ट्रेड फाइनली इनिशिएट किया वो जब इस लेवल के बाद मार्केट ऊपर गया और जब यहाँ से नीचे आने लगा तो मैंने एक इस जगह के आसपास पुट का ट्रेड बनाया मतलब थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड बनाया जब ये हाई मार्केट नहीं क्लियर कर पा रहा था और जो इसका सपोर्ट जोन था वहाँ से सपोर्ट लो के सपोर्ट लेके ऊपर भी नहीं जा रहा था प्लस एक चीज़ और यहाँ पर मैंने यूज़ करी वो था यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया हुआ था ब्रेकआउट आया हुआ था और मुझे हमेशा मैं अपने कोर्स में यही सिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होती इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ट्रेंड की होती है तो मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भले ही आ गया था बट मार्केट में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था और इस कंडीशन से मैंने फिर यहाँ कहीं पुट की पोजिशन बनाई और जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंटली होल्ड करना पड़ा आपको मैं एक मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ अब ये ये यहाँ पर मार्केट में ब्रेकडाउन आ रहा था और ब्रेकडाउन के बाद इमीडिएट फिफ्टी परसेंट रिकवरी यानी ऑप्शन का चार्ट ऐसे जा रहा था फिर यहाँ पर आ जा रहा था तो काफ़ी पेशेंस के साथ ये ट्रेड होल्ड करना पड़ा तब जाके कुछ प्रॉफिट देखने को मिला जो भी कुछ ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं था क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलिटाइल तरीके से यहाँ पर मूव करता हुआ नजर आया तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ कहीं जब मार्केट पहुँचा इस कहीं जोन के आसपास तो मतलब मैंने अपनी कुछ कुछ क्वांटिटी करके यहाँ कहीं के, के आसपास मैंने अपनी पूरी पोजीशन एग्जिट कर दी जब मार्केट दोबारा यहाँ पर रुकने लगा तो मेरे आज दिन में टोटल थ्री ट्रेड्स हुए जिसमें एक में मेरा स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पर वो पुट साइड में स्टॉप लॉस हुआ देखो ये कोई तरीका नहीं है मैं यहाँ जान पाता कि मार्केट को नीचे नहीं जाना है अगर प्रॉपर एंट्री देखा जाए तो वो इस लेवल के नीचे बनती बट यहाँ पर थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री करने की कोशिश की गई मार्केट टर्न हुआ हमने जो दूसरा ट्रेड लिया वो कॉल साइड में लिया और एक हमने यहाँ पर पुट साइड में ट्रेड लिया जो इस जगह पे लिया इन दोनों में प्रॉफिट हुआ और निफ्टी के चार्ट में भी हमने एक कॉल साइड में ट्रेड लिया था जिसको मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था उसका भी लॉजिक मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ये हमारा ऑप्शन बाइंग वाला कोर्स है लाइफ चेंजिंग आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स ये सिक्स नाइन नाइन का वैसे बट यहाँ पर आपको ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ईयर का ऑफ चल रहा है टू थाउजेंड रुपीज़ का यानी ये कोर्स आपको फोर नाइन नाइन में मिल सकता है और इसके लिए केवल आज भर की डेट बची है तो अभी भी अगर आपने एनरोल नहीं करवाया तो आप एनरोल ज़रूर करवा लीजिए और अगर आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप नीचे एक मैं वीडियो डाल दूंगा उसको जाके देख लीजिएगा यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट नाइन्टी प्लस वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए आप देखिए कैंडल स्टिक सपोर्ट रेस्टेंस ट्रेंड एनालिसिस मास्टर मास्टरिंग ट्रेंड लाइन्स चार्ट पैटर्न देखिए ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर एक अलग ही यहाँ पर मॉड्यूल है यानी मैं पहले ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर बात करना पसंद करता हूँ उसके बाद हम ट्रेंड लाइंस के ऊपर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हंड्रेड प्लस वीडियोज़ हैं क्योंकि कुछ अभी वीडियोज़ प्रोसेसिंग पे हैं इसलिए वो अपलोड होकर यहाँ पर आपको नहीं दिख रही हैं बट वो भी एक दिन में अपलोड हो जाएंगी तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हंड्रेड से ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिलेंगे जिसमें साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट सारा कुछ डिस्कस किया गया है और प्लस इसमें मैंने अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस किया जिसके लिए जिसको यूज़ करते हुए आज मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला स्कैल्पिंग में स्कैल्पिंग के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बताता हूँ क्योंकि वो छोटे ट्रेड्स होते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक नहीं होता है ये कंप्लीटली मैं अपने जो मेरी स्ट्रेटेजी है नाइन्टी डिग्री स्ट्रैटेजी उस पर बेस्ड करता हूँ तो इसीलिए इसके पीछे प्राइस एक्शन का कोई सेटअप नहीं होता है इसलिए मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं करता हूँ बाकी जो भी प्राइस एक्शन वाले ट्रेड्स है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं तो अगर आप अभी भी एनरोल करवाना चाहते हैं और सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अभी टू थाउजेंड का ऑफ चल रहा है ठीक है आप अगर इसको तो देखिए ये हमारे पास निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है फाइव मिनट का तो यहां पर आप देखोगे मार्केट ऊपर आया हुआ था और ऊपर आने के बाद यहां पर हमें एक कंसोलिडेशन बॉक्स नजर आता है और ये कॉन्सॉलिडेशन बॉक्स में जब निफ्टी बैंक निफ्टी फंसा हुआ था और फिर जब इसके बाद ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं इसके साथ साथ इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ सकता था कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं हमें उससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ़ एनर्जी को ध्यान रखना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी मैंने अपने कोर्स में भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है बट एक वीडियो भी मैंने बना रखी है जिस जिसपे मैंने ये बता रखा है कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल कब और कैसे होते हैं तो आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा यूट्यूब पर तो यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट आता है तो मेरा पहला टारगेट इस कहीं के आसपास था इस कहीं के आसपास मेरा फर्स्ट टारगेट था यहाँ पर बट जो रिस्क मैनेजमेंट का रूल यह है कि मैं एक ऑप्शन बायर हूं और एक मैं मोमेंटम ट्रेडर हूं तो मैं हमेशा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है उसको प्रीफर करता हूं तो के से मुझे आराम से यहां के एक एंट्री मिल गई तो कुछ क्वांटिटी मैंने यहां पर निकाल दी उसके बाद मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस लगा दिया और इसको मैंने चलने दिया आप देखोगे मार्केट फिर नया हाई लगाता है जब नया हाई लगा तो मैंने कुछ क्वांटिटी और एग्जिट की लेकिन सारी एग्जिट नहीं किया और फाइनली इसी जगह के आसपास आके यहां पर ये कॉस्ट 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 टू टू नहीं आए बट ऑप्शन में आके मेरा स्टॉप लॉस यहां कहीं हिट कर दिया था यानी इस स्टेट में भी हमें टारगेट नहीं मिला बट इसमें भी हमने पॉजिटिव में क्लोज किया क्योंकि प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को फॉलो किया गया था यहां पर तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को फॉलो करने के कारण यहां पर यह अच्छा हो गया अगर आप देखोगे निफ्टी तो निफ्टी पूरे दिन यहां पर वोलेटाइल था मतलब साइडवेज था एक रेंज में इस रेंज में वोलेटाइल था यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना था बट यहाँ पर, पर ट्रैप करके दोबारा ऊपर चला गया फिर नीचे आया तो यहाँ पर ये ट्रैपिंग हुई यहाँ से फिर मतलब कंप्लीट साइडवेज था इस जगह ब्रेकडाउन आया ब्रेकडाउन के बाद कोई यहाँ पर कंटिन्यूएशन देखने को नहीं मिला और फिर यहाँ से एक साफ रिकवरी हमें देखने को मिली है तो ये था आज का कंप्लीट प्राइस एक्शन एनालिसिस आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और प्रेडिक्शन वाली वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगी थोड़ी देर में आप यहाँ पर आप प्रेडिक्शन वाली वीडियो भी देख लेंगे कल के लिए जब मुझे क्लियर हो जाता है मैं मार्केट को जब एनालाइज़ कर लूंगा तब तो मैं प्रोडिक्शन वाली वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा साथ में हमने यहाँ पर एक और स्टॉक में ट्रेड किया था तो बजाज ऑटो में भी मैंने एंट्री करी थी एंट्री का रीजन सिंपल था यहाँ पर फॉल के बाद एक पोलन फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा था यहाँ पर और पोलन फ्लैग पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट हमें पहला टारगेट यहाँ कहीं के हिसाब आसपास मिलना चाहिए था जो हमें नहीं मिला वन इस टू वन पर कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर जब वापस जाने लगा तो यहाँ पर जब कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास हमारी कुछ क्वांटिटी निकल गई तो इसमें भी कुल मिला जुला के हमें कोई खास बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला मार्केट के साथ साथ आज स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल थे इसलिए कहीं प्रॉपर सेटअप देखने को नहीं मिला तो यहाँ पर ये फोर ट्रिपल नाइन का हो जाएगा तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है धन्यवाद मिलते हैं प्रेडिक्शन वाली वीडियो में थैंक यू